नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वृषभ राशि वालों का 3 नवंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फंस गया था, तो अपने रुके हुए धन को आपको प्राप्त करना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान इस काम को करने में आपका समय, आपका भाग्य, आपका साथ अवश्य देगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान जिस काम को करने से आपको मानसिक शांति मिले, जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, आप वही काम करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके स्वास्थ्य के मामलों में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने घर परिवार में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने से पहले अपने घर वालों से आपको वार्तालाप करना होगा, और अपने घर वालों से बात करने के बाद ही आप कोई परिवर्तन करें। वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आने वाले समय के दौरान उस परेशानी को आपको खत्म करना होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और फिरोजी। आपके लिए भाग्यशाली अंक है 5 यानी कि 5। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आप स्नान ध्यान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की पूजा करें। अपने पूजा पाठ से आप हनुमान जी को खुश करने का प्रयास करें, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।